हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजा एडिट। तो गाइस अभी इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस ये स्कल फोटो का एडिटिंग होने वाली है, जो कि गाइस बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पेन यूज हुए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा आईडी, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं पोस्ट डालते रहता हूँ। तो गाइस अगर आप ये अपने चैनल पर हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस इसलिए देर कर लो, शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपने इस बैकग्राउंड को यहाँ पर पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है, और पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद सिंपली इसको रिसाइज पे ले जाना है और यहाँ पर इसको 2500 कर देना है अबाउट, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली इसको रिसाइज कर लेना है, और यहाँ पर रिसाइज करने के बाद से आपका क्या होता है कि इसके बाद से आप जो भी फोटो या पीएनजी ऐड करोगे वो फटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐड फोटो पर जाते हैं, और यहाँ ऐड फोटो पर जाने के बाद से गाइस हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो गाइस इसका कटआउट मैंने पहले से ही बना रखा है, तो गाइस आपने कटआउट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, जाकर देख सकते हो। उसके बाद से गाइस जाएंगे अपने शैडो वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर गाइस हम अपने मॉडल की शैडो बनाएंगे। तो गाइस अगर आपके पिक्सआर्ट में ये शैडो वाला ऑप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पिक्सआर्ट की, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने शैडो को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, इसकी क्या करते हैं ब्लर रेडियस फुल कर देते हैं, और ओपेसिटी आपने 35 रख लेना है। और यहाँ पर 35 रखने के बाद सिंपली यहाँ से इसको डन कर देना है, और यहाँ से डन करने के बाद से आपने क्या करना है, अब अपना पीएनजी ऐड करनी है, जो कि गाइस स्कल वाली पीएनजी है। तो गाइस इसको मैंने 3-4 हिस्सों में बांट रखा है, तो आपने एक एक करके सबको ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट वाली पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और इसे आप अपने फ़ोटो के हिसाब से, मतलब जो आपका मॉडल है उसके हिसाब से आप देख लेना, मतलब अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, ठीक है। और इसको लगाने के बाद सिंपली डन करेंगे, और उसके बाद हम फिर ऐड फोटो पर जाएंगे, और उसके बाद हम गाइस अपनी सेकेंड पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और इसको ऐड करने के बाद सिंपली गाइस इसको भी फुल बैकग्राउंड पे करेंगे। और फिर गाइस इसमें भी मैं आपको बोलूँगा कि आप देख लेना अपने मॉडल के हिसाब से, अगर फेस वेस या कहीं पे भी आ रहा हो तो आपने वहाँ से इरेज कर लेना है या फिर एडजस्ट कर लेना है। फिर हम अपनी थर्ड वाली पीएनजी को ऐड करेंगे, और यहाँ पर भी गाइस सेम प्रोसेस करेंगे, वही करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको फुल बैकग्राउंड पर करते हैं, और देन सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। तो गाइस इसमें जो भी मैंने ब्लर वलर मार रखा है वो पहले से ही कर रखा है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी जो लास्ट वाली पीएनजी है उसको ऐड करेंगे, और सिंपली इसको फुल बैकग्राउंड पे करेंगे, और देन यहाँ से अपनी फ़ोटो को आप डन कर देंगे। और डन करने के बाद से देखिए अब हमारे पिक्सआर्ट का काम तो हो चुका है। तो सिंपली अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे, यहाँ से गाइस करेंगे फ़ोटो को सेव, और चलेंगे अपने लाइटरूम में। यहाँ पर गाइस हमारी लाइटरूम में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लिया है, और यहाँ पर लाइटरूम में आने के बाद से हम क्या करते हैं, लाइट पे जाते हैं। यहाँ पर जो गाइस हमारा कंट्रास्ट है इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं माइनस के 10%, और फिर गाइस हाइलाइट्स को हम रख देंगे माइनस के 45, और फिर शैडो को आपने अबाउट 50% रख लेना है, और फिर वाइटीज को अबाउट 10% रख लेना है आपने इसको, और ब्लैक्स को माइनस के 15 रख लेना है। और सिंपली उसके बाद से अपने नेक्स्ट टूल पर चले जाना है। यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर अभी आपने टेम्प को हल्का सा एकदम इंक्रीज करना है अबाउट 5%, और फिर उसके बाद से मिक्स टूल पर चले जाना है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट कलर है उसके यू को आपने अबाउट 30% इंक्रीज कर देना है, और फिर जो आपका ऑरेंज मिलेगा उसको ऑरेंज कलर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है अबाउट 20 सेचुरेशन, और यहाँ पर लुमिनस को भी 20%, और फिर जो हमारा ब्लू कलर है जो कि हमारे टी शर्ट का कलर है, तो सिंपली हम उसको थोड़ा सा इसमें ह्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ह्यू को माइनस करने के बाद से सिंपली इसको यहाँ से डन कर देंगे, और उसके बाद से सिंपली हम जाएंगे इफेक्ट वाले टूल पर, यहाँ पर टेक्सचर को हम कर देते हैं 20%, और उसके बाद से सिंपली स्प्लिट वाले टोन में जाएंगे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ह्यू को रखना है 98 और 99 के आसपास, और सेचुरेशन अबाउट रखना है 25-27। तो यहाँ पर देखिए हम कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा शैडो है इसको हम रख लेंगे सबसे लास्ट में एकदम ले जाएंगे, और यहाँ पर इसको रख लेंगे 5-6%, और यहाँ पर जो नीचे बैलेंस का ऑप्शन है इसको हम माइनस की तरफ ले जाएंगे, इसको हम माइनस कर रख लेंगे 65, और सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। और यहाँ से डन करने के बाद जो हमारा क्लियरिटी है इसको रख लेंगे अबाउट 10%, और डीएच को भी हम थोड़ा सा माइनस की तरफ रखते हैं,
माइनस नहीं, इसको हम प्लस की तरफ ही रखते हैं, 5 और 6 रख लेंगे। और जो हमारा विग्नेट है इसको हम 20 to 25 रख लेंगे, अबाउट 20 रख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट वाला टूल पर चले जाएंगे, यहाँ पर शार्पनिंग को हम इंक्रीज कर देंगे अबाउट 32% और नॉइस रिडक्शन 20%। और उसके बाद से हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कलर नॉइस, इसको भी आपने 10% इंक्रीज कर देना है। तो गाइस देखिए, अब हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर अभी आप देख सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना।